नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हो अंकुशू के चैनल। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। अभी फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ में हूं और सेलिब्रेशन कर रहा हूं दिवाली का। तो अभी गिफ्ट्स अभी देने इधर उधर जा रहा हूं गिफ्ट देने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है चंडीगढ़ आके और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ड्राइव करने के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंडियन रोड में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है, मतलब मज़ा आ रहा है। यहाँ पे खाना पीना सब कुछ अच्छा लग रहा है। आई होप आप अगर यूके में हैं, इंडिया में, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ़ोन करो, बात करो, खाओ पियो, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुरक्षित रहो यार, सबसे बड़ी बात है। चलो मैं रखता हूँ, अभी मैं ड्राइव करना शुरू कर दिया। फिर से अभी लाइटें थी तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना, बट अब मैंने ड्राइव करनी शुरू कर दी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर पर। तो आज हमने सोचा है कि वहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन करेंगे एक साथ। वहाँ पे ताऊ जी भी रहते हैं, मिलेंगे सबसे आज। तो ये देखो, शर्मा रहे हैं सारे, और मेरे बड़े भ्राता श्री वो आगे बैठे हुए हैं। तो अभी हम कैब में जा रहे हैं। तो आज का ये था कि हमें ड्राइव नहीं करनी है, थकना नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना है। बाकी तो अभी हमने दिवाली के गिफ्ट ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है। ताऊ जी का रहता है तो बस फिर ताऊ जी के घर जाएंगे। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं अपने घर पे, अपने असली घर पे। क्यों निशा? फैन को चला दिया। और ये हमारे सेठ जी है। तो बस मम्मी अब खाने की तैयारी कर रही है, खाना बना रही है। मम्मी क्या बना रही हो खाने में आज? कढ़ी चावल। आयो है मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खा लिए। अगर भाई मेरी मम्मी तो पूरी चेंज हो गई है। पहले बहुत मोटी थी मम्मी, अब बहुत पतली हो गई है। पूरा डाइट का ध्यान दे रही है। अगर आपको भी चाहिए वो प्लान तो कांटेक्ट करो। जी पहुंच गए हैं हम ताई जी घर। ओए होए, ब्लॉगिंग का शुरू है। कैसा भाई? आपकी दिवाली भैया का। अरे ताई जी रास्ते रास्ते ताई जी क्या ही है, कैसे हो? ठीक है, ठीक है। और ये जी टॉफी कैंडीज। ओ इसको चश्मा लग गया। हेलो तो कर दो मम्मी। मम्मी मुझे भी बस भाई अपन लगे हुए हैं वीडियो बनाने में अपना। इंडिया की बना रही कि मैं इंडिया जा रहा हूँ? हाँ बनाया रहे ताऊ जी। फिलहाल हमने कढ़ी चावल खा लिए हैं। अभी इसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पर अभी निशा और भाभी खा रहे हैं। और ये हमारे शेर खान देखो यहाँ पे कर रहे हैं। पापा फ्रूट्स खा रहे हैं, भाई बंदी को खाना खिला रहे हैं, मम्मी किचन में है मेरी, और भाभी अब पैकअप कर रहे हैं। है ये देखो शेर खान है हमारा, शेर खान। तो फिलहाल हम मार्केट जा रहे हैं थोड़े पटाखे लेने के लिए और थोड़ा घर का सामान भी लेना है। चलो फिर पटाखे लेने चलो यार। फिलहाल लाइटें ऑन हो गई है, मम्मी बना रही है पकोड़े, दाल के पकोड़े। और मम्मी के हाथ के दाल के पकोड़े तो हर जगह फेमस है भाई। तो मैं जरा कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ मेरी मम्मी की रेसिपी। तो ये लगी है मेरी मम्मी पकोड़े बनाने के लिए, पहाड़ी पकोड़े। क्या बोलते हैं मम्मी पकोड़ों को? दाल के पकोड़े बना रही है मम्मी के हाथ के दाल के पकोड़े खाने वाले हैं भाई। और ये डाला मम्मी ने अभी, और ये देखो लाइटें जली हुई है भाई। इंडिया की ब्यूटी है लाइट्स की। निकले को कह दिया था ना? कह दिया था जी, कह दिया था। बाय बन्नी, बाय कर दो, बाय कर दो बन्नी, बाय कर दो, बाय। तो फिलहाल मैं पटाखे लेने आ गया हूँ। बहुत बड़ी मार्केट लगी है पंजाब में, तो मैं कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। तो पटाखे ले लिए हमने, और शायद अभी मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी और निशा।
राम आएंगे तो सिर्फ दिए थोड़ा जलाने हैं भाई, पटाखे भी तो फोड़ने हैं। ये देखो माँ, भगवान सॉरी, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो मेरी माँ आज हरी साड़ी पहनी है और मेरी बीवी ने पिंक साड़ी पहनी है, पिंक साड़ी नहीं पिंक सूट पहना है, सॉरी माय बैड। और ये मेरी माँ ने पूरा प्यारा सा मंदिर सजाया है। जी पूजा शुरू हो गई है घर पे, चलो मत्था टेको, चलो जी रुक जाओ पकड़ना नहीं पकड़ना, देखो राम आएंगे तो ये जलाने और ऐसे लगा दो, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलो जी अभी निशा की तारीफ नहीं करी है, निशा की भी तारीफ करेंगे। निशा को यहाँ पे दिवाली मना के अच्छा लग रहा है क्योंकि वो चाहती थी कि इंडिया में आके दिवाली मनाया जाए। इस समय मम्मी जो है प्रसाद सभी को बांट रही हैं और ये जो प्रसाद है ये मिठाई स्पेशल की आई है, नंद की है चंडीगढ़ की, जो कि बहुत ही फेमस है। दो हाथ से ले पाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद दीजिए हमें, ये वाला ले लीजिए जी। ये देखिए प्रसाद, ये हमारे यहाँ पे स्पेशली बनाई जाती है, ये जो है ये पकौड़ी है स्पेशल बनाई जाती है, इसे बाद में खा जाता है। निशा कैसा रहा आपका दिवाली का एक्सपीरियंस यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। मम्मी आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। चलिए फिर आपका यहाँ पे दिवाली का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और यहाँ पे भाभी और निशा दिए चला रहे, ये ऊपर भी लगाने हैं। दिवाली का एक अलग ही सीन होता है, अलग ही रौनक होती है अपने घर पे। आप कहीं भी चले जाओ दिवाली तो फैमिली से जो मजा है ना फैमिली के साथ ही आता है यार। तो बस अभी दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बस पूजा हो गई है और अब थोड़े पटाखे ले, ज़्यादा नहीं लेके आऊँ मैं, थोड़े से पटाखे लेके आऊँ तो बस उसको अभी हम जलाएंगे। ये हमारे दाल के पकौड़े बन गए, मेरी तो मेमोरी फुल होगी फ़ोन की, तो अब निशा के फ़ोन कर रहा हूँ। निशा किससे बात कर रहा है? तो अभी आए हैं मेरे ताया ताई। ओए क्या कर रहा है? और ये है मेरे संजू भाई, बड़े भाई है मेरे, हमेशा मुझे कॉल करते हैं और बहुत याद करते हैं। इस बार अंकुश दिवाली मना रहा है हमारे इंडिया में, हमारे हम इंडिया ही है पर अभी यूके वाला हो गया। नहीं नहीं अभी भी इंडिया ही हूँ। और ये हमारे सेठ जी है। तो गाइज अभी हम खाना खाने लगे हैं, फिर उसके बाद हम पटाखे फोड़ेंगे तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों निशा? निशा और आज बना है शाही पनीर और चिकन बना हुआ है हमारे यहाँ पे। आपके घर क्या बना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ तो फिलहाल अभी हमने डिनर कर लिया है और हम छत में आ गए हैं, तो सारे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी हम थोड़े से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ रहे, थोड़ा सा शगुन करने के लिए हम पटाखे फोड़ रहे हैं। छतरियाँ होती है ना जो ऊपर जाती अच्छा लगता है, तो वो लेके आया हूँ मैं चार पांच, और फुल जड़ी है 3-4, 25 का शॉर्ट्स और डेड सेट। इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट्स ले मतलब ज़्यादा पटाखे लेके नहीं आया हूँ।
फाइनली दिवाली खत्म हो चुकी है, पटाखे जला लिए, अब सोने की तैयारी है और कल सुबह मेरी दीदी आ रही है। एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली, जो दिवाली थी बहुत अच्छे से गई है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली, जय हिंद, बाय बाय।